हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज बात करेंगे वाणी में सौम्यता और मधुरता कैसे लाएं। जी हाँ, अगर वाणी अच्छी नहीं होती है तो हम किसी पे अपना प्रभाव नहीं जमा सकते। कहने का मतलब है कि अगर आपकी वाणी सही नहीं है तो आपका कहीं पे भी बात का कोई तुल्य नहीं रह जाता है। अगर आप ठीक ढंग से बातें नहीं करते हैं, ठीक ढंग से आपका बोलने का तरीका नहीं है, तो क्या करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अपने डेली रूटीन में आपको क्या परिवर्तन करना चाहिए जिससे आपके कुंडली के में मौजूद ग्रह नक्षत्र भी प्रभावित हो। सबसे पहले कि फास्ट योग है, इसलिए मैं बोलूँगी आपसे कि कभी भी फास्ट फूड जो होता है, चाइनीज़ खाते हैं आप, अगर फास्ट फूड खाते हैं तो इससे हमारे कुंडली का राहु ग्रह बहुत ही प्रभावित होता है। और राहु ग्रह प्रभावित होने से इंसान की वाणी में सौम्यता नहीं रह जाती है, यानी इंसान गाली गलौज करने लगता है, बोली में मधुरता नहीं रह पाती है। सबसे पहली बात याद रखिए कि कभी भी किसी से बात करते वक्त या फिर कितना भी गुस्सा है तो आप गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि गाली गलौज करने से ग्रह नक्षत्र और भी प्रभावित होते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर बहुत ज़रूरत ना हो आपको तो गले में बहुत ज़्यादा ताबीज़, माले या फिर किसी भी प्रकार के धागे ऐसा कुछ ना पहना करिए। एक सोने का मात्र चैन पहनिए, बस वही काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप गले में कुछ भी धारण करते हैं तो इससे भी आपके कुंडली का बृहस्पति ग्रह प्रभावित होता है और आपकी वाणी खराब होती है। चलिए अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उपाय क्या करेंगे इसके लिए ताकि हमारी वाणी अच्छी हो जाए, आपके जो भी आप जिससे बात करें उससे वो आपको बात का महत्व दे। सबसे पहला उपाय, पर डे सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। सूर्य देव को हल्दी वाला मिला हुआ जल चढ़ाइए और साथ में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं तो इस उपाय का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाने के साथ 108 बार गायत्री मंत्र आप वहीं पे खड़े होकर पढ़ लेते हैं सूर्य देव के सामने, तो इससे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव परिवर्तन आने लगते हैं। आपकी वाणी सौम्यता हो जाती है, आपकी वाणी में मधुरता आ जाती है, आप किसी से भी कुछ भी बोले आपके बात को तवज्जो दी जाती है और इससे कुंडली के बहुत सारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो भी बहुत हद तक सुधरते हैं। दूसरी बात, ब्रश करने के बाद सुबह सुबह आदत डालिए दो तुलसी पत्ते को खाने की, मुंह में रखने की। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया।